ओडिन फ्रोस्ट दोनों चित्रों में दाई ओर का व्यक्ति अशाब्दिक है और उसे ऑटिज्म है। उनका जन्म क्लब्ड फुट और हल्के सेरेब्रल पाल्सी के साथ हुआ था। ओडिन को विशेष रूप से संगीत और लयबद्ध धुनों का शौक है और रैंप पर स्केटबोर्डिंग की आवाज़ ने हमेशा उनकी चिंता को शांत किया है। ऊपर दी गई तस्वीर ओडिन के माता पिता टिम और डिंडा फ्रोस्ट द्वारा साझा की गई है। टाइम ने हाल ही में एक साक्षात्कार में यह कहा, हमारे लिए हमें लगता है कि ओडिन जैसे लोगों को उनकी विकलांगता के कारण बातचीत से बाहर रखा गया है। वास्तविकता यह है कि वह होने वाली हर चीज़ को समझता है। उसके न्यूरॉन्स बस एक अलग पैटर्न में सक्रिय होते हैं और वह उस तरह से संवाद नहीं कर सकता जैसे वह चाहता है। ऐसी कोई विकलांगता नहीं है जो ओडिन को दुनिया से रोक सके और वह वास्तव में अच्छा रहा है देखने के लिए। वे कहते हैं विकलांगता वाले हर परिवार की एक अलग यात्रा होती है और ऑटिज्म या किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले हर व्यक्ति के लिए एक अलग यात्रा और एक अलग रास्ता होता है। असली ताकत एक दूसरे के प्रति आपके प्यार में है। जब आप इसे पूरी तरह से अपना लेते हैं तो मुझे लगता है आप असंभव चीज़ें कर सकते हैं और बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं बड़ी खूबसूरत यादें बना सकते हैं। प्यार हमेशा जीतता है, इस पर विश्वास करें।